हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोनिका त्यागी और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मोनिकाज किचन में। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूं कच्चे आम का खट्टा मीठा अचार बनाने की रेसिपी। बहुत ही आसानी से आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप इसे 2 से 3 साल तक भी स्टोर करके रख सकते हैं। इस अचार को बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मसालों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और केवल 15 से 20 मिनट के अंदर आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। बच्चे हों या बड़े हों, सभी को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। प्लीज़ आप एक बार मेरे कहने पर इसे ज़रूर ट्राई करके देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज की इस रेसिपी को। तो इस अचार को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये 2.5 किलो आम इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसे ज़्यादा मात्रा में बना सकते हैं या फिर कम मात्रा में भी बना सकते हो। सबसे पहले आम को अच्छी तरह से धो लें और आप इसके लिए इस तरह से एकदम साफ साफ आम का इस्तेमाल कीजिए। बहुत ज़्यादा दाग वाले आम इसके लिए इस्तेमाल ना करें। आम को छीलकर इस तरह से टुकड़ों में काट लें। आप चाहें तो इस तरह से लंबे पीसेस के काट कर तैयार कर सकते हैं या फिर थोड़े छोटे पीस में भी आप इसको काट कर तैयार कर सकते हैं। आम को काट लेने के बाद में इसके पास यहाँ पर ये इसकी गुठलियाँ बची हुई हैं, तो गुठली के ऊपर आप देख सकते हो कितना सारा आम इस तरह से बचा हुआ है। इसे आप इसी तरह से चाकू से काट लीजिए। उसके बाद में आप इससे यहाँ पर चटनी बनाकर तैयार कर सकते हो और इस चटनी को भी आप 1 से 1.5 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं। चटनी की रेसिपी मेरे चैनल पर दी गई है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब गैस ऑन करके मैंने एक कढ़ाई रखी है और कढ़ाई के अंदर हम आम को डाल देंगे। आज मैं यहाँ पर अचार बनाने के लिए सिंपल नॉर्मल जो चम्मच हमारे घर में इस्तेमाल करते हैं तो इसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस चम्मच से मैं यहाँ पर इसके अंदर ये नमक डाल रही हूँ, तो मैं इसके अंदर यहाँ पर ये 3 चम्मच नमक ऐड करूँगी। आप चाहें तो इसके अंदर काला नमक भी डाल सकते हैं, लेकिन काला नमक डालने से क्या होता है कि जो अचार है वो बहुत जल्दी काला पड़ जाता है। अगर आप इसको व्रत में खा रहे हैं तो आप व्रत के लिए भी बना सकते हो। आप इसके अंदर सेंधा नमक डाल दीजिए। मैंने यहाँ पर ये सिंपल नमक इसके अंदर डाला है और गैस को ऑन कर लिया है। और अब मैं इसके अंदर यहाँ पर ये 1/4 कप सिरका ऐड करूँगी। आप इसके अंदर 60 से 65 ml तक ये सिरका डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पर ये वाइट विनीगर का इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी सफ़ेद सिरका। आप चाहें तो काले वाला सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो पहले मिलता था काले वाला सिरका, वो भी आप डाल सकते हैं। 1/4 कप मैंने इसके अंदर डाल दिया है। साथ में मैं इसके अंदर यहाँ पर ये 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर भी डाल रही हूँ। ये डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालिए, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इससे जो अचार का कलर है वो अच्छा आएगा। मिक्स कर देंगे इसे अच्छी तरह से। मीठे अचार की रेसिपी के लिए मेरे पास बहुत सी कमेंट्स आ रहे थे, तो इसीलिए मैंने आपके साथ ये वीडियो शेयर किया है और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसको बनाना आपको बताया है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अब कढ़ाई को हम कवर कर देंगे और गैस की फ्लेम को एकदम धीमा रखेंगे। धीमी आंच पर हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि हमारे जो आम हैं वो करीब 50% ना पक जाए, यानी आधा ना पक जाए। इस तरह से बीच बीच में आप इसे चलाते रहिए ताकि जो इसके पीस हैं वो ऊपर नीचे हो जाएं और जो नीचे वाले पीस हैं वो बहुत ज़्यादा ना पक जाएं। चीनी डालने से पहले आम को थोड़ा पका लेंगे तो जो आम के पीस हैं वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। अदरवाइज़ क्या होता है कि जो आम के पीस हैं अगर चीनी डाल दिया तो वो उससे आगे पकेगा नहीं, थोड़ा सा जो अचार है वो दांतों के बीच में चिपकने वाला बनेगा। बीच बीच में आप इसे चलाते रहिए। अब यहाँ पर मैंने इसे धीमी आंच पर 5 से 7 मिनट के लिए पका लिया है। अगर इसे कट करके देखें तो ये थोड़ा आसानी से कट रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है। तो मैं इसके अंदर यहाँ पर ये 1/2 किलो चीनी डाल रही हूँ। 500 ग्राम मैंने चीनी डाली है। साथ में मैं इसके अंदर यहाँ पर ये 2 छोटे चम्मच सौंफ का पाउडर डाल दूँगी। सौंफ को मैंने हल्का दरदरा सा पीस कर ले लिया है। अगर आप चाहें तो चीनी की जगह पर इसके अंदर गुड़ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन गुड़ डालने से क्या होता है कि जो अचार है वो बहुत जल्दी काला पड़ने लगता है, उसका कलर अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैंने इसके अंदर ये चीनी ऐड किया है। गुड़ के साथ भी अचार अच्छा बनता है, टेस्ट वही रहेगा, तो आप चाहें तो गुड़ भी डाल सकते हो। साथ में मैं इसके अंदर यहाँ पर ये थोड़ा सा फूड कलर डाल रही हूँ खाने वाला। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालिए, नहीं तो आप इसको सिंपल बना सकते हो, लेकिन इसे डालने से जो कलर है वो अच्छा दिखाई देगा। यहाँ पर आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ी लाल मिर्ची पाउडर डाल सकते हैं इसको अच्छा कलर देने के लिए, लेकिन मेरे यहाँ पर जो अचार है वो खट्टा मीठा खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसको थोड़ा तीखा या चटपटा नहीं बनाना पसंद करते हम। जैसे ही चीनी को अच्छे से मिक्स करेंगे तो इसके अंदर चीनी अपना पानी छोड़ने लगेगी। उसके बाद में हम इसको कवर करके पकाएंगे और बीच बीच में हम इसको चलाते रहेंगे। तो गैस की फ्लेम को मैंने यहाँ पर मीडियम पर कर लिया है और मीडियम फ्लेम पर मैं इसे तब तक पकाऊंगी जब तक कि आम के टुकड़े ये चाशनी के साथ में अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए, यानी ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह से एक साथ घुल मिल ना जाए। तो यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम पर ही रखा है और इस तरह से मैंने इसको पका लिया है।
आप देख सकते हैं चाशनी जो है वो अचार के साथ में थोड़ा घुलने लगी है, लेकिन अभी भी मैं इसे 2 से 3 मिनट और पका लूँगी। चीनी डालने के बाद में जैसे इसके अंदर उबाल आया है उसके बाद में मैंने इसे 10 मिनट के लिए पका लिया है और चाशनी अच्छी तरह से इसके साथ में एब्जॉर्ब हो गई है। तो मैंने इसके अंदर यहाँ पर ये आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डाल दिया है। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इसके अंदर काली मिर्ची का पाउडर भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने ऐड नहीं किया है क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे बच्चे यहाँ पर इसको थोड़ा खट्टा मीठा ही पसंद करते हैं, इसको तीखा पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो चाशनी है वो अच्छी तरह से गाढ़ी हो चुकी है। तो उसके बाद में हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, अचार को हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब भी आप अचार को ठंडा होने के लिए छोड़ें तो आपको क्या करना है कि इस तरह से या तो आप इसे किसी जाली से कवर कीजिए या फिर आप इसे किसी कॉटन के कपड़े से कवर कर दीजिए ताकि इसके अंदर भाप बनकर ना टपकने पाए। उसके बाद में आप इसे ठंडा करने के बाद में किसी भी एयरटाइट कंटेनर के अंदर स्टोर कर सकते हो। आप चाहें तो कांच का कंटेनर लीजिए या फिर प्लास्टिक कंटेनर ले सकते हो। कंटेनर को पहले अच्छी तरह से धो लीजिए और उसके अंदर से पानी को अच्छे से सुखा दें। उसके बाद में आप इसे 2 से 3 साल तक भी स्टोर करके रख सकते हैं। बच्चों को ये अचार की रेसिपी बहुत पसंद आई है तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी और आगे आप किस तरह की रेसिपी देखना पसंद करते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।